के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गुरु गोरक्षनाथ मंदिर स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना के साथ मनाया गया गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन। भगवान शिव को कमल का पुष्प अर्पित करके किया गया सीएम योगी के दीर्घ आयु होने की कामना। बांटी गई मिठाइयां। ईद की नमाज के लिए ईदगाहों में उमड़े रोजेदार। सुबह 9 बजे शुरू हुई नमाज। मुल्क में अमन चैन की मांगी गई दुआएं। हजारों की संख्या में नमाजियों ने अदा की नमाज। सुरक्षा को लेकर प्रशासन रहा मुस्तैद। गले मिलकर बोले ईद मुबारक। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति ने किया पौधारोपण। पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। कहा एक वृक्ष 10 पुत्र समान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को हो गए 47 वर्ष के। 5 जून को उनका जन्मदिन है। योगी आदित्यनाथ कभी नहीं मनाते हैं अपना जन्मदिन, लेकिन उनके समर्थक विभिन्न आयोजन करके उनके दीर्घ आयु होने की करते हैं कामना। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन में SSP सहित पुलिस के अन्य अधिकारियों ने किया वृक्षारोपण। नागरिकों ने एक साथ मनाया सीएम का जन्मदिन और पर्यावरण दिवस। लड्डू खिलाकर लोगों को दी बधाई। तुलसी का पौधा किया वितरित। विश्व पर्यावरण दिवस पर गोरखपुर नी से बात करते हुए डॉक्टर श्रुति वाषणे ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रत्येक व्यक्ति अवश्य लगाएं एक वृक्ष। फिनो पेमेंट्स बैंक शाखा विस्तार के साथ ये माइक्रो लेवल के बैंक की हर गली और मोहल्ले में उपलब्ध करा रही है बैंकिंग सुविधा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर विश्व हिंदू महासंघ ने काली मंदिर पर हवन यज्ञ एवं पूजा कर योगी आदित्यनाथ की लंबी उम्र की कामना।